हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों आज के अपन टॉपिक एसएससी सीरीज में, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है तो क्रय मूल्य बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि 20% लाभ। देखो दो तरीके से हल होता है, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जो बिल्कुल शॉर्टकट में हल होगा। 20% लाभ, 20% 20/100, 20 एकम 20 पंजे 100, यानी कि 1/5। अब 5 पर 1 रुपये का लाभ यानी कि 6 रुपये, विक्रय मूल्य क्या हो गया 6 रुपये हो गए। अब उसने कितने बेचा, 80 रुपये में बेचा, तो 6 = 80, तो ये होगा 80/6, गुणित 80/6 काट दें तो इसको देखो, तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 40/3 क्या है, 40/3 आया। अब 40/3 आया, इस 40/3 का गुणा यहाँ कीजिए, 40/3 5 में, तो 3 से काटा 13 और 1 × 3 = 9, 5 × 3 = 15 का 5 असिला 1, 5 × 3 = 16, 6 असिला 1, 5 × 6 = 6, 6×6 = 5, 6×6 = 5, ये उसका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य कितना था, 6×6 = 5। दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ये पहिया 500 चक्र में कितनी दूरी तय करेगा। एक पहिया का व्यास, व्यास किसको कहते हैं दोस्तों, इस पूरी लकीर को व्यास कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं, पूरी लकीर को। अगर यहाँ आधे अगर काटे हैं तो ये हो जाती है त्रिज्या इसकी। देखिए इसने व्यास कहा ए बी, और व्यास कितना इसका 28 सेंटीमीटर, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर, इसके आधी, तो 2 का भाग लगाए तो 2 × 2 = 8, 14 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या होगी। अब ये कह रहा है कि एक चक्र, ये पहिया 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, देखो एक चक्कर में चलेगी दूरी यानी परिधि, परिधि 2πr बराबर, तो 2 × π का मान 22/7 × r का मान कितना हो गया 14/1, 7 से काटा 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4 और 22 × 4 = 88 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में 88 चलता है तो 500 चक्कर में कितने चलेगा, 500 चक्कर में तो 88 × 500, तो 2 0 तो है ही सही, 5 × 8 = 40 की सी पर सिला 1 × 40 = 44 और ये 500 चक्कर है, कितने मीटर दूरी तय करेगा, यहाँ इसने मीटर में पूछा, मीटर में पूछा तो इसको 100 से डिवाइड कर दे, तो 2 से पकड़ गए 440 मीटर दूरी तय करेगा, 440 मीटर दूरी तय करेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 का भाग डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना, देखो
ये इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी इसकी त्रिज्या है, ये ओ से ए तक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब पूछा इसने व्यास, बताओ व्यास कितना होगा, तो व्यास 2r, तो 2 × r का मान 7 × 7 = 14 सेंटीमीटर। फिर परिधि, परिधि निकले तो 2πr, 2 × 22/7 × r का मान 7 से 7 कट गया, 22 × 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालें तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 × r = 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए मिश्रण वाला क्वेश्चन है। 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, तो इसमें कितना पानी मिला जाए कि 3:5 हो जाए। देखिए 42, ये दूध और पानी का मिश्रण है, इसके अंदर मिल्क है और वाटर है, और जिसका अनुपात है 3:4। ये केरा कितना पानी मिला जाए, वाटर को अपन ऐड करेंगे तो देखो वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपन अलग अलग मात्रा निकाल लो इसकी। पहले मिल्क कितना, दूध निकालेंगे तो 42 × 7 × 3 = 7 × 14 = 42, सात 6 = 42 और 6 × 3 = 18, दूध आया 18 और यहाँ पे ये 4 इधर रखेंगे तो पानी कितना आएगा, 42 × 4/7, 7 × 6 = 24 आ गया, पानी कितना आ गया 24 आ गया। अब बहुत सारे तरीके होते हैं इसको सोल्व करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए ये मिल्क अनुपात वाटर, तो मिल्क कितना है 18 है और वाटर कितना है 24, और 3:5 ये क्या कह रहा, पानी ऐड करेंगे, कितना पानी ऐड करेंगे, माना कि x लीटर पानी ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना, पानी ऐड करना तो यहाँ ऐड कर दो, अगर मिल्क ऐड करना तो यहाँ ऐड कर दो, ठीक है ध्यान रखना। अब इसका अनुपात कितना हो रहा, 3:5, बस ये अनुपातिक पहलू निकाल लो, एक्स वाली एक्स का मान निकालो, एक्स वाली राशि पहले निकाल लो, तो 3 × 24 = 72 + 3x और 18 × 90 और 3x = 90 - 72, 10 में से दोगे तो 8 बचे, 8 में 7 गए तो 1 बचा, और 3 × 18 काटे तो x = 6, x का मान कितना आया 6 आया, तो 6 लीटर पानी ऐड करेंगे, 6 लीटर पर अपन इसमें पानी ऐड करेंगे। आई होप कि सुनने आ गया।
पांचवा क्वेश्चन देखिए, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में अनुपात में 2:1 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। देखो 45 लीटर ये मिल्क है और ये वाटर है, जिसका अनुपात कितना है 2:1, 2:1, ठीक है। तो इसमें मिल्क निकालेंगे अपन, वही प्रक्रिया 45 ऐसे रहेगा, 2 2 1 3 और 2 ऊपर रह जाएगा, 3 से काटा 15 15 2 30 और वाटर निकाले तो 45 × यहाँ पे 1 का गुणा होगा और 3 3 से काटा 15 15 इसमें यहाँ आ जाएगा, इसका अनुपात कितना है 1:2 हो रहा है। तो ये 30, फिर ये क्या ऐड करना है इसमें, पानी ऐड करना है, तो पानी वाला प्लस होगा, तो 15 + x और बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ ऐड करना तो यहाँ ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। x वाली राशि से पहले निकालेंगे तो 15 + x 2 का गुणा 30 × 60, एक्स बराबर 60 − 45 15, ये आंसर आ जाएगा 15 लीटर। सॉरी 60 में से 45 जाएगा, 15 घटेगा तो यहाँ 45 लीटर बचेगा, इज द राइट आंसर, 45 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, 500 से 1200 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 2 3 4 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। 500 से 1200 के बीच, के बीच का, बीच का मतलब क्या होगा, 1200 भी इसमें डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना, 500 से इन 500 भी नहीं होगा, 1200 भी नहीं होगा, 500 से ऊपर जाएगा 501 वाली होगी और 1200 भी पूर्ण नहीं होगी, 1200 से कम वाली होगी, ये डिवाइड होगी, 1200 डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ -1 कर दे, -1 करेंगे तो 1199 रह जाएगा और ये माइनस होगा 1199 में से तो 99 और 11 में से 5 गए तो 699 संख्या बचेगी, ये माइनस करेंगे। अब बाकी किसका लगाना है, 2 3 4 2 3 4 का अपन एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाए तो 1 3 बचा 2 2 4 2 3 6 2 8 12 2 3 6 6 2 12 तो 12 से डिवाइड करें तो 12 5 60 9 बच्चे और 12 7 84 96 58 इज द राइट आंसर, 58 इज द राइट आंसर। आयोग की सुनने आ गया हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन सोल्व कर दें,
अब इसने अगला कहा है कि 200 से 600 तक, इसने कह दिया तक, तो 200 से 200 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 200 के ऊपर और 600 तक, 600 पूरी हो जाएगी, ध्यान रखना। तक का मतलब क्या हुआ, 600 पूरी डिवाइड होगी, और किससे होगी, 5 और 7 से। तो 5 और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 और 7 35, LCM कितना आया, 35 आया, 35। इसको माइनस कर ले, 600 में से 200 गए तो कितने बचे, 400/35। भाग लगा 35 से कम 35, यानी कि ये 11 संख्या ऐसी है जो 5 और 7 से पूर्ण विभाजित होगी। आठवां क्वेश्चन देखिए, 1+2+3+4+ ऐसे जा रहा, प्लस देखो 49+50+49+ और यहाँ 3+2+1, इतनी बड़ी संख्या है, लाभ बढ़ती गई 50 तक और फिर घटती गई 1 तक, इसका योग कैसे करेंगे बताइए। इसका योग अपन एक सेकंड में कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही, 50 आ रही, 50 को पकड़िए, 50 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 25, 2500 राइट। क्या आप संतुष्ट हैं, नहीं, देखिए 1+2+3+4+5, 4 तक ही चले जाइए, +3+2+1, देखो यहाँ से अपन बढ़ते गए 4 तक और यहाँ से फिर 1 तक चले गए, तो अपन 4 का स्कोर करेंगे कितना होगा, 4 4 16, क्या ये सब 16 आ रहे हैं, ये देखना है, ठीक है। देखो 1 ने 2 3 3 ने 3, 6 6 ने 4 10 10 ने 3, 13 13 और 2 15 और 1 16, ठीक 16, यानी कि अपना फार्मूला बिल्कुल सही करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नौवे सवाल पर बढ़ते हैं। एक पार्टी में 20 मित्र शामिल हुए और एक दूसरे से हाथ मिलाते तो कितनी बार हाथ मिलाए, मित्र कितने हैं, 20 मित्र हैं और कितनी बार हाथ मिलाएंगे, ये पूछा है कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हाथ मिलाने वाला फार्मूला अपने पास रहेगा दोस्तों, n+1/2, ये फार्मूला रहेगा, हाथ मिलाने वाला फार्मूला n माइनस सॉरी यहाँ पे रहेगा n-1 × 2, एन का मान 20 हो जाएगा, 20 में से 1 गया तो 19 हो जाएगा, बटा 2, 2 से काटा तो 10 और 19 से कम 190। अब गिफ्ट देने वाला अगर पूछे तो ध्यान रखना कि इसका दुगना गिफ्ट दिया जाएगा, ध्यान रखना। गिफ्ट देने वाली अगर बात करें तो इस वो भी समझ लो, गिफ्ट देने वाला जो फार्मूला है n-1, इसमें बटा 2 नहीं होगा, मस्तियाँ रखना,
तो एन का मतलब 20 और 19, 19 दूना 38, 380। इज द राइट आंसर। दसवां क्वेश्चन के बढ़ते, पांच लगातार सम संख्याओं का औसत 18 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो, औसत की बात करते हैं। देखो औसत, औसत कितना दिया, 18 दिया। देखो ए बी सी डी ई पांच संख्या जिनका औसत, अब औसत सबसे पहले समझ ले दोस्तों, औसत अगर कोई संख्या दे तो वो हमेशा सेंटर वाली संख्या होगी, बीच वाली संख्या, हमेशा बीच वाली संख्या होगी। तो 18 कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, सेंटर सबके बीच की संख्या 18 है, सी है, तो ये कितना हो जाएगा 18। अब सम संख्या की बात करें तो 18 से पहले कितनी आएगी, 16 आएगी, उससे पहले 14 आएगी, इसके बाद क्या आएगी, 20 आएगी, फिर क्या आएगी, 22 आएगी। तो ये पांच संख्या अपने को मिल गई। ये कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या अपने पास 22, ठीक है, अगर छोटी संख्या बात करें तो 14, बड़ी आपके सुनने आ गया। ग्यारहवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है और संख्या में 27 जोड़ा जाए, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है उसमें अगर 27 जोड़ा जाए तो उनका आपस में स्थान बदल जाता है। देखिए दो अंकों वाली संख्या, पहली संख्या है, फर्स्ट चार ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, एक है 45, दूसरी है 36, तीसरी है 18 और चौथी संख्या है अपने पास 27। ऑप्शन से उत्तर ढूंढना है, किस कभी कभी ऐसा होता है कि अपनों को ऑप्शन से उत्तर ढूंढना पड़ता है, तो अपन ए प्लस बी मान सकते हैं लेकिन ऑप्शन से ढूंढने में बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंकों का योग 9, तो इन दोनों का योग कर दें तो 4 + 5 = 9, एक बात तो सही होगी इसकी, ठीक है, एक बात तो सही होगी। फिर क्या कह रहा है कि ये संख्या में 27 जोड़ा जाए, अब 45 अगर 27 जोड़ते हैं तो क्या होता, 7 × 5 = 12 का 2 + 1 3 और 4 = 7, 72 हो रहा, अंक तो पलटा नहीं, ये 45 से आपको होना था 5 में 4 = 54 होना था लेकिन 72 हो रहा है, यानी कि दूसरी शर्त पालन नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन अपना गलत आंसर। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, इसी तरह इसको चेक करते हैं, 3 + 6 करेंगे तो 9 हो गया, ये भी सही हो रहा, फिर 36 + 27 जोड़ते हैं तो 6 × 7 = 13 का 3 + 1 3 × 3 = 6, ये 36 और ये 63 बिल्कुल उलट गणित हो गया, अंक पलट गए, ये 3 इकाई वाला था ढाई पे चला गया और ढाई वाला अंक 6 इकाई पे आ गया, यानी इसका अंक पलट गया, तो ये ऑप्शन राइट आंसर। अंक पलट गया मतलब ये ऑप्शन है इसका अपना राइट आंसर। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन को भी लगाना पड़ता है। आई होप कि सुनने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।